नमस्कार दोस्तों, ये कंपटीशन लॉ क्या होता है, व्हाट इज कंपटीशन लॉ, जिसे हम हिंदी में प्रतियोगिता विधि कहते हैं। हमारे देश में इसके ऊपर एक कानून भी बन चुका है जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002 यानी प्रतियोगिता विधि 2002। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज कंपटीशन लॉ एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्यों को, किन उद्देश्यों को लेकर ये कानून बनाए और इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपटीशन लॉ की, प्रतियोगिता विधि की। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि कंपटीशन लॉ इज द ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ, यानी जितने भी व्यापारिक विधि है बिजनेस लॉ है, उस बिजनेस लॉ का ही एक ब्रांच है, यानी बिजनेस लॉ का ही एक शाखा है। इट इज अ वन ब्रांच ऑफ द बिजनेस लॉ। तो हमारे देश में जितने भी कमर्शियल लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसी प्रकार का एक एक्ट है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट। तो ये बिजनेस लॉ की श्रेणी में आता है। नाम से स्पष्ट है, बिजनेस यानी व्यापारिक कानूनों को कवर करने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया है। तो कॉम्पिटिशन का पहले तो मतलब समझें, कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगिता। किसी भी बाजार में प्रतियोगिता का होना बहुत जरूरी होता है। यदि प्रतियोगिता होगी तो अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रतियोगिता होगी तो बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होगी, प्रतियोगिता होगी तो कंपनियां एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के चक्कर में अच्छे प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को देगी, अच्छी सर्विसेज देगी, कम प्राइसेस होंगी। तो कंपटीशन होना मार्केट में बहुत जरूरी है। और ठीक इसका उल्टा कर दें, एंटी कंपटीशन यानी मोनोपोली की यदि हम बात करें, यदि किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए तो इसी स्थिति में बाजार में कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं होगी, हाई प्राइस में खराब सर्विसेज, खराब गुड्स उसको मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लीजिए कि पूरे मार्केट में एक ही मोबाइल कंपनी ने टेक ओवर किया हुआ है, एक ही मोबाइल कंपनी है, दूसरी मोबाइल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर्स को अच्छे मोबाइल नहीं मिल पाएंगे, कंपनी किस जो भी हाई प्राइस रखेगी उस प्राइस में आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी सर्विसेज भी खराब होगी तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, क्योंकि पूरे मोबाइल कंपनीज पर एक ही कंपनी है। तो यहाँ पर कंपटीशन यदि नहीं होती है तो कस्टमर्स के साथ बहुत सारी समस्याएं आती है। तो कंपटीशन लॉ इस उद्देश्य से बना है कि मार्केट में कंपटीशन होनी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ना करे, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट ना बनाए। तो बिजनेस लॉ का यह विषय है और कॉम्पिटिशन एक्ट हमारे देश में कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगिता को मेंटेन करने के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। मार्केट में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, यानी बाजार में प्रतियोगिता का होना बहुत जरूरी है। प्रतियोगिता का अस्तित्व कंज्यूमर्स के फायदे के लिए होता है, कंज्यूमर्स को उससे बेनिफिट होते हैं। अब जरा हम अर्थ देखें तो ये एक ऐसा लॉ है, कंपटीशन लॉ एक ऐसा लॉ है जो फर्म और कंपनीज को ये कहता है कि कंपटीशन होनी चाहिए। कोई भी फर्म अथवा कंपनी ऐसे नियम कायदे नहीं बनाएगी, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं करेगी जो कॉम्पिटिशन को रोक लगाते हो या कॉम्पिटिशन को रोकते हो। तो कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जो है कॉम्पीट करे, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करे, हेल्दी कॉम्पिटिशन करे, इफेक्टिवली और इफेक्टिव कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, ऐसा इस कानून का उद्देश्य होता है। आइए इसके महत्व को समझते हैं, कॉम्पिटिशन का क्या महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, कॉम्पिटिशन का होना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिशन से अनेक फायदे होते हैं। सबसे पहला बेटर क्वालिटी गुड्स एंड बेटर क्वालिटी सर्विसेज आपको तभी मिलेगी जब बहुत सारी राइवल कंपनी है। उदाहरण के तौर पर यदि हम टेलीविजन कंपनीज को देखें तो LG टेलीविजन भी है, वीडियोकॉन टेलीविजन भी है, ओनिडा का टेलीविजन भी है, सोनी का टेलीविजन भी है। अब इन कंपनीज में से वो कंपनी रूल करेगी जो अच्छी क्वालिटी देती है, अच्छी बेटर क्वालिटी दे रही है। तो बेटर क्वालिटी तभी आएगी जब इन कंपनियों के बीच में कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन बेटर क्वालिटी लाता है, फिर कंपटीशन इनोवेशन लाता है। आपने देखा है इनोवेशन मतलब नयापन, नया आविष्कार। आप सभी को पता है कि पहले जो फ्रिज आते थे वो ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग रहते थे, कूलिंग ठीक नहीं होती थी। आजकल उससे और बेटर आ गए, यानी कूलिंग भी ज़्यादा हो गई और पावर भी कम लिया जा रहा है। तो ये इनोवेशन जो करेगा, जो कंपनी बेटर इनोवेशन करेगी, आविष्कार करेगी, नयापन लाएगी, उसके प्रोडक्ट बिकेंगे। और ये कंपनी तब करती है जब कंपटीशन होती है। मान लीजिए कंपटीशन ही नहीं है, कंपनी का माल यूं ही बिक रहा है, तो फिर कंपनी इनोवेशन पे ध्यान नहीं देती है। तो इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार। तो एक और महत्व है, कंपटीशन की वजह से इनोवेशन होता है। लो प्राइसेस, आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। अगर मोनोपोली होगी तो चीज़ें महंगी मिलेंगी, कीमतें उसकी ज़्यादा होगी, सर्विसेज की कीमतें ज़्यादा होगी। लेकिन कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन लॉ की वजह से कंपनीज में कंपटीशन होती है तो कीमतें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लो प्राइसेस में आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलने लग जाते हैं। मोर ऑप्शन, कंज्यूमर्स के सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
ऑप्शंस मतलब विकल्प अवेलेबल है। यदि आपको एक 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 कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो उस सामान के बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं और ये चॉइसेस भी कंपटीशन की वजह से ही पॉसिबल है। कंज्यूमर रूल, और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में कंज्यूमर का शासन होता है। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिशन ही ना हो तो कंज्यूमर का शासन नहीं होने वाला है, कंपनी का शासन हो जाएगा, यानी कंपनी कंज्यूमर के ऊपर रूल करेगी, लेकिन यहां पर कंज्यूमर मार्केट में रूल करेगा, कंज्यूमर का शासन होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन एक्ट की वजह से बेटर क्वालिटी, इनोवेशन, लो प्राइसेस, मोर ऑप्शंस एंड कंज्यूमर रूल होता है। अब यदि हम बात करते हैं इसकी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कंपटीशन एक्ट जो है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स यानी ऐसे एग्रीमेंट पे रोक लगाता है जो कॉम्पिटिशन को रोक लगाते हैं। नो मोनोपोली, ये कानून कहता है कि किसी कंपनी की मोनोपोली एकाधिकार नहीं होना चाहिए मार्केट में। नो डोमिनेंस, किसी एक ही कंपनी का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। मर्जर एक्विजिशन के भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और इसके पहले एक्ट लग चलता था इसी प्रकार का MRTP, जिसको हम मोनोपोलाइज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कहते थे, जो 1969 का था। MRTP एक्ट को रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का बनाया गया है। वर्तमान में 2023 में हमारे देश में कॉम्पिटिशन लॉ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एप्लीकेबल है। तो ये है मित्रों कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं और इसके क्या कुछ लीगल प्रोविजन हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।